प्यार में इंसान कुछ इस कदर अंधा या यूं कहें कि पागल हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। कुछ ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला देखने को मिला गोरखपुर में, जहां एक शादी में जयमाल के समय प्रेमी हाथ में सिंदूर लेकर स्टेज पर चढ़ गया और जब तक दूल्हा जयमाल को सही कर दुल्हन के गले में डालता तब तक तो प्रेमी ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। ये देख दूल्हे के साथ साथ वहां पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। वहीं बारात में आए किसी व्यक्ति ने पूरा मंजर कैमरे में कैद कर उसे वायरल कर दिया। जानकारी के अनुसार गोरखपुर जिले के हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के गांव में बुधवार रात शादी के दौरान दुल्हन के प्रेमी ने पूरे फिल्मी अंदाज में एंट्री मारी और दूल्हे के जयमाल डालने से पहले ही दुल्हन की मांग में सिंदूर भर के प्यार की ताकत का एहसास कराया। प्रेमी का ये फिल्मी अंदाज देख उसी समय दुल्हन के घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो प्रेमी प्रेमिका का प्यार वाला बुखार उतर गया। पुलिस ने देर रात 3 बजे तक ग्राम प्रधान और गांव के बूढ़ों की मदद से मामले को सुलझा लिया। गुरुवार सुबह पंचायत के बाद दुल्हा दुल्हन को विदा कर अपने घर ले गया, वहीं प्रेमी भी वापस घर चला गया। बता दें कि एक ही गांव के युवक और युवती एक दूसरे से प्यार करते थे। कुछ महीने पहले प्रेमी घर छोड़कर बाहर कमाने चला गया। इसी बीच परिजनों ने युवती की शादी तय कर दी। प्रेमी युवक ने जब अपनी प्रेमिका की शादी की बात सुनी तो वो 2 दिन पहले ही रिजर्वेशन करवा कर गाँव आ गया और शादी वाले दिन सबके सामने जाकर अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दी। इस मामले में हरपुर बुधहट थाना प्रभारी उदय शंकर कुशवाहा ने यूपी तक को बताया कि ये घटना सही है। लड़की और लड़के के पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई। आपसी समझौते के आधार पर जिस लड़के से शादी हो रही थी समझा बुझा कर उसी के साथ शादी करा दी गई। उन्होंने आगे बताया कि जिस युवक ने मौके पर पहुंचकर ऐसी हरकत की उसे लोगों ने पकड़ लिया था, बाद में उस युवक को भी छोड़ दिया गया। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।